हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मॉक्स ओवरसीज एडुकॉन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। बहुत जल्द स्टॉक मार्केट में इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कितना चांसेस अलॉटमेंट मिलने का, कि इसका सब्सक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह हम इसे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक करते चलना, सब्सक्राइब करते हुए चलना और बेल आइकन की बटन ही दबा देना। चलो देखते हैं मॉक्स ओवरसीज एडुकॉन लिमिटेड का आईपीओ। बैक टू माय चैनल, और हम बात कर रहे हैं मॉक्स ओवरसीज एडुकॉन आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और इसका ओपनिंग की बात करते हैं तो 21 दिसंबर से इसका सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में देखते हैं इस आईपीओ के बारे में, तो ये क्लोज हो जाएगा करीब करीब, देखा जाए तो 23 दिसंबर को क्लोज़ हो जाएगा। और साथ साथ में आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है, करीब करीब देखा जाए तो 153 रुपये की इसकी प्राइस रखी गई है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है। और साथ साथ में हम बात करते हैं आईपीओ के साइज़ के बारे में, तो 10 करोड़ 42 लाख का एक एसएमई आईपीओ है। 10 करोड़ 42 लाख के इस एसएमई आईपीओ के अंदर जो रखा गया है, लिस्टिंग की बात करते हो तो ये एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा। और एक लॉट के अंदर 800 शेयर्स रखे गए हैं। साथ साथ में देखा जाए तो 800 शेयर्स इसलिए रखे गए हैं कि मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं जिसके अंदर 800 शेयर रहेगा। और आप एसएमई आईपीओ है, महारा आईपीओ में कहता हूँ कि एसएमई आईपीओ सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। चलो देखते हैं कंपनी की डिटेल देख लेते हैं और कंपनी क्या करती है वो देखते हैं। बात करें मॉक्स ओवरसीज एजुकेशन के बारे में, देखा जाए तो ये कंपनी की पर्सनल वेबसाइट है जहां मैं आपको लेकर आया हूं। देखा जाए तो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ का इनका टाइप है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, आयरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड के अंदर। और साथ साथ में कंपनी की डिटेल देखा जाए तो यहाँ स्टडी प्रोवाइड करती है कंपनी। ज़्यादातर देखा जाए तो जो एमबीए के, एमबीबीएस के जो स्टूडेंट है, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए जो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी, तो ये उनके लिए हेल्प करती है एडमिशन के अंदर, अप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और साथ साथ में देखा जाए हेल्थ केयर के अंदर, सारी चीज़ें के अंदर इनका प्रोवाइड करती है। और देखा जाए पॉपुलर एब्रॉड कोर्सेज इनका दिया गया है। यहाँ पे मेडिकल हुआ है, एग्रीकल्चर हुआ है, हेल्थ हुआ, फूड हुआ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, साइंस, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मीडिया, आर्ट, लॉ, सभी के अंदर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एक तरह देखा जाए तो जो स्टूडेंट एब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये हेल्पफुल कह सकते हैं, ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। फिलहाल देखते हैं कंपनी डिटेल देख लेते हैं क्या है। इनका अपकमिंग वेबिनार भी होने वाला है, डेट दी गई है, इनकी पर्सनल वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, जैसा भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलो कंपनी की और डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक करते चलना और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मॉक्स वर्सेस एडुकॉन के बारे में। देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत हो गई थी करीब करीब देखा जाए 2018 में। और साथ साथ में देखते हैं मॉक्स ओवरसीज एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एक टेक लर्निंग कंपनी है। साथ साथ में ये कंपनी ऑफरिंग करती है, और साथ में जो जिनका बिजनेस मॉडल है देखा जाए तो लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग एंड मोबिलिटी सर्विस टू मेडिकल स्टूडेंट, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है उनके लिए। और साथ साथ में ये इंडिया के अंदर भी और एब्रॉड के अंदर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और मॉक्स के बारे में हम बात करते हैं तो जो इनका मेन ब्रांड नेम है मॉक्स स्टूडेंट मोबिलिटी सर्विस। और साथ साथ में जो कंपनी की यहाँ पे डिटेल दी हुई है, फॉलोइंग ऑफर जो करते हैं सप्लाई वो भी देख लेते हैं। नंबर एक, कंपनी मोबिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी गाइडेंस, एप्लीकेशन सपोर्ट, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, ट्रैवल सपोर्ट, और साथ साथ में पोस्ट अराइवल सर्विसेज के बारे में भी। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी हेल्थ एकेडमी के अंदर भी है, इंट्रेंस एग्ज़ाम और सच एज जैसे नीट का हुआ, यूजीसी का हुआ, और साथ साथ में मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम हुआ और यूएसएमएलई एग्ज़ाम हुआ, ये जो सारे एग्ज़ाम है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी के बारे में देखते हैं और क्या डिटेल दी गई है वो भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी का जो डिटेल यहाँ पे दी गई है, करीब करीब कंपनी मॉक्स ओवरसीज एजुकॉन लिमिटेड बिजनेस मॉडलिंग लेवरेज अप स्केलिंग टेक्नोलॉजीज एंड यूसेज अप टू डेट टेक्नोलॉजीज टू डिलीवर डिजिटल कोर्सेज एंड लर्निंग सोल्यूशन। और साथ साथ में कंपनी प्रोवाइड करती है कंपनी को सेल्फ पेस लर्निंग। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी 2022 के अंदर हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस 23 टच पॉइंट इनके करीब करीब थे इंडिया के अंदर, और इन प्रेजेंस ऑफ 18 सिटीज़ थ्रू द फ्रेंचाइजीज अरेंजमेंट एंड रजिस्टर ब्रांच इनके करीब करीब देखा जाए तो पाँच ऑफिसेज हैं इनके, मुंबई के अंदर, पुणे, दिल्ली और भोपाल और अहमदाबाद के अंदर। और साथ साथ में देखते हैं 2022 के अंदर कंपनी का डिटेल देखते हैं तो करीब करीब कंपनी के 25 एक्सपीरियंस इन्फॉर्म एंड वेल ट्रेन काउंसलर हैं इनके पास। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट 6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम लुथानिया,
क्रोशिया, लेथविया और मलेशिया के साथ में है। और साथ साथ में कंपनी की और भी क्या डिटेल दी गई वो भी देख लेते हैं। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं तो करीब करीब कंपनी फोकस है, करीब करीब देखा जाए तो 360 डिग्री अप्रोच है, यूनिक ब्रांड पोजीशन है और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी है। और देखा जाए तो कंपनी का टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल भी है। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इनकी। और देखा जाए तो करीब करीब ट्रैक रिकॉर्ड ट्रेंड द एम्प्लॉई बेस है। चलो कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँ जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को एक लाइक करते चलना, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलना। हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में तो देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल सिर्फ और सिर्फ 2022 का इसके अंदर दिया हुआ है कंपनी का फाइनेंशियल। तो देखा जाए तो करीब करीब दो टोटल जो इनकी असेट थी 2022 के अंदर, तो इनकी टोटल असेट आई थी करीब करीब 4,87,00,000 की। और टोटल रेवेन्यू हुआ था इनका देखा जाए तो करीब करीब 10,09,00,000 का। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 1,11,00,000 का इनका प्रॉफिट था। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब देखा जाए तो 1,47,00,000 का। और साथ साथ में रिजर्व सरप्लस इनके पास है 1,11,00,000 इनका रेजोरेंस सरप्लस है, क्योंकि हमें लाख में दिया गया। और साथ साथ में ऑब्जेक्ट की बात बारे में बात करते रहिए, आईपीओ क्यों लेके आया जा रहा है तो देखा जाए करीब 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 मीटिंग विद द वर्किंग कैपिटल इनको रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ में एक्सपेंडिचर एंड इन्हेंस मोबिलिटी अवेयरनेस ब्रांड के बारे में। और साथ साथ में वेलकम बैक टू माई चैनल, हम बात कर रहे हैं मोक्स ओवरसीज एजुकॉन आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो देख लेते हैं आईपीओ क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। देखा जाए तो कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है स्टार्ट हो जाएगा ये 21 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में देखा जाए इसकी क्लोजिंग दो हमको क्लोजिंग देखने को मिली करीब करीब देखा जाए 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसका देखा जाए तो करीब करीब 10 रुपये रखा गया है और आईपीओ प्राइस 153 रुपये रखा गया है, थोड़ा कॉस्टली दिखाई दे रहा है। और लॉट साइज के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 800 शेयर्स रखे गए हैं करीब करीब देखा तो ये एक एसएमई आईपीओ है। और इशू साइज के बारे में बात करते हैं 10,42,00,000 का ये आईपीओ है। पूरा ये पूरा आईपीओ देखा जाए तो फ्रेश इशू है 10,42,00,000। और साथ साथ में ये भी देखें देखा जाए तो ये लिस्टिंग की बात करते हैं तो एनएससी एसएमपी ये लिस्टों का ध्यान देने की चीज़ है। और साथ साथ में कंपनी की और भी डिटेल देख लेते हैं तो ये कंपनी की डिटेल अगर देखते हैं तो इसके बारे में जो दिया गया है कोटे के बारे में अगर देखते हैं तो इसके अंदर 50% कोटा जो रखा गया है करीब करीब देखा जाए चेन्नई का रखा गया और 50% कोटा रखा गया है इसके अंदर रिटेल। हम बात करें मोक्स ओवरसीज आईपीओ के बारे में तो इसकी एक डिटेल भी देख लेते हैं क्या टेंटेटिव टाइम टेबल है। अगर देखा जाए तो ये इसकी ओपनिंग हो जाएगी 21 दिसंबर को और साथ साथ में क्लोजिंग देखा जाए 23 को देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो करीब करीब ये आईपीओ का अलॉटमेंट 28 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और रिफंड के बारे में बात करते हैं तो रिफंड 29 तारीख को हो जाएगा। और साथ साथ में डीमैट अकाउंट में हमारे अगर आईपीओ लग गया तो करीब करीब देखा जाए तो 30 तारीख को आ जाएगा। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो लिस्टिंग हमको आईपीओ की 2 दिसंबर 2023 में देखने को मिलेगी। अगर आईपीओ की और डिटेल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर देखते हैं एक लॉट साइज़ जो रखा गया है करीब करीब देखा जाए एक लॉट के अंदर 800 शेयर्स रखे हैं मिनिमम। मैक्सिमम रिटेल सिर्फ और सिर्फ एक लॉट ले सकते हैं मिनिमम भी मैक्सिमम भी। और एचएनआईएस के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 800 शेयर यानी दो लॉट के बारे में बात कर ले सकते हैं। अमाउंट देखा जाए तो करीब करीब एक लॉट का अमाउंट 1,22,000 हो रहा है 1,22,400 और दो लॉट लेने के लिए कम से कम 2,44,000 रुपये आपको देना होगा। और साथ साथ में हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की तो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो करीब करीब 88% प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ आने के बाद कितनी होती है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की बटन दबा देना ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता रहूँ। ओके थैंक यू, बाय बाय।